लड़ाई आज इतना दूर आ चुका है और मुझे लग रहा है कि मैं अब अपने कामयाबी की सीढ़ी में चल रही हूँ। इसके लिए सबसे पहला मेरे इस लड़ाई का सबसे पहला स्टेप आप लोग हो, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा ये लड़ाई इतना बड़ा नहीं होता। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और पूछिए आप लोगों को क्या पूछना है। आज शनि के मैदान पे उतर रहा है, आप लोगों से क्या कहेंगे? आज मैच है, कोलकाता पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? मैच है तो जाहिर है वो कोलकाता भी पहुंचेंगे, मैच भी खेलेंगे, तो इसमें नया कुछ सवाल तो मुझे नहीं लगता। वो जहां जहां मैच होगा वहां वहां वो जाएंगे, वहां वहां वो खेलेंगे। आप उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहेंगी? कभी भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि अब नहीं लगता कि मेरे साथ उसका कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, क्योंकि अगर वो मुझे कोई विश करता है तो वो भी लगेगा कि वो मुझे गाली दे रहा है, मैं भी अगर कोई उसे विश करती हूँ तो ये लगेगा कि मैं उसे गाली दे रही हूँ। तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी हम लोगों के रिलेशन में इतना करवाहट आ चुका है कि इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ अभी। आप कह रहे थे कि कोलकाता पुलिस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो आज खेल रहा है और पुलिस से उनसे पूछताछ भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करें प्लीज। क्या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कोलकाता पुलिस से? आप कह रहे थे कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। मैंने मैंने आपसे कहा कि जो आपने जो क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन मेरा है। क्या आप कोलकाता पुलिस से सवाल उठाना चाहेंगे कि अभी वो है कोलकाता में तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए, वो खेल रहा है मैदान में? ठीक है, ये सवाल कीजिए। आपने जो पहले जो सवाल किया वो सवाल मेरा नहीं था। खैर, अभी समी यहाँ पे है और उनके ऊपर जो नॉन अवेलेबल धाराएं लगी हुई हैं, तो सिर्फ मैं क्यों? आप लोगों को सबके दिल में ये सवाल जरूर आया होगा कि समी के ऊपर नॉन अवेलेबल धाराएं लगी हुई हैं, फिर भी वो कोलकाता में आया है, तो पुलिस को एक्शन क्यों नहीं ले रही है, या फिर क्या? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं या है भी। तो इसमें मैं यही बात कहूँगी कि पुलिस के ऊपर मेरा फेथ है और मेरी लड़ाई के लिए पुलिस के अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है, तो पुलिस के ऊपर मेरा फेथ है और रहेगा। मैं शुरू से ये बात कहते आ रही हूँ। और एक इंसान जब अपना एक मजबूर इंसान जब अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उतरता है तो फिर किसके ऊपर सहारा लेकर उतरता है बताओ? पुलिस के ऊपर ही सहारा लेकर उतरता है, पुलिस के ऊपर ही वो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ पुलिस हमें जजमेंट करवा सकते हैं, पुलिस हमारा इस लड़ाई में सहयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूँ और मुझे यकीन है कि पुलिस आज तक जिस तरह से अपना प्रोसेसिंग चलाया है और चला भी रहे हैं और स्टेप उन्होंने उठाया भी है और उठा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे सवाल दिल में आता भी है कि क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे बात करने से पता चलता है तो फिर मुझे सब कुछ लगता है कि नहीं, सब कुछ प्रोसेसिंग में ठीक ठाक ही चल रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला क्यों लिया आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने फैसला किया कि शुरू से लेकर आज तक, मतलब 8 तारीख को मैंने लाल बाजार में कंप्लेन किया था, तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी पुलिस को लेकर कोई बात आप लोगों के सामने रखी है? नहीं। जब आप लोगों के सामने पुलिस को लेकर मैंने कोई बात भी नहीं रखी, मैंने अपना इंटरव्यू में या अपनी बाइट में हमेशा मैंने आप लोगों से यही कहा है कि पुलिस को लेकर मुझे कोई बात नहीं करनी, तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये दिखाया गया है जो त्रिपाठी सर को लेकर बोला गया है। तो इस तरह की बातें आप लोग मुझसे विदाउट परमिशन अपना दिमाग लगा के मत छापिए, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो आप छापेंगे मुझसे पूछकर छापेंगे, जो बात मैं कहूँगी वही छापेंगे। आप लोग बेमतलब का कुछ भी मेरे लिए छाप देंगे, फिर मुझे उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि ये चीज मेरे अगेंस्ट में तो नहीं चला जाएगा। तो देखिए, आप लोगों से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, और मैं जानती हूँ कि आप लोग सब यही चाहते हैं कि मुझे जस्टिस मिले और मुझे न्याय मिले, और मेरी सच्चाई के बारे में भी आप लोग जानते हैं, और मुझे आप लोगों से बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है और आप लोग मेरे पास खड़े हैं, इसी वजह से ये लड़ाई में लड़ने के लिए उतरी भी हूँ और इस लड़ाई में लड़ने के लिए आगे बढ़ भी रही हूँ। तो अब इसमें से कोई एक मेंबर अगर इस तरह की हरकतें करता है जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अगेंस्ट में जा
जा सकती है। इसी वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी कोई चीज आप लोग ना छापें जो मेरे अगेंस्ट में जाए। आप जो आपकी बेटी को ले जाएंगे फिलहाल जो जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो आप सैटिस्फाइड हैं? जी मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ और मैं आज पहली बार प्रवीण त्रिपाठी सर का नाम लेना चाहूँगी मीडिया के सामने, क्योंकि सच में वो बहुत जेंटलमैन पर्सन है। वो मुझे बहुत मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो एज ए पुलिस या एज ए जॉइंट सीपी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलते कि हाँ इस तरह से हमें ये करना है। एज ए मतलब प्रोफेशनली वो मुझसे बात नहीं करते। वो मुझे अगर जो कोई चीज़ मुझे समझने में दिक्कत हो रही है तो वो बहुत पोलाइटली मुझे समझा के बताते हैं। मुझे समझने में बहुत आसानी होती है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझे समझा देते हैं तो मैं समझती हूँ। तो मुझे कहीं से कहीं नहीं लगता, और मैं आदर्श मतलब ऑफिसर से भी बात करती हूँ तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पुलिस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है या नहीं करेगी, या उन लोगों की कोई भी प्रोसेसिंग में कोई डिले कर रही है या प्रोसेसिंग उस टाइप से नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है। एक बार लाल बाजार से ऑलरेडी यूपी में जहाँ मेरा ससुराल है सहसपुर में, वहाँ पर टीम भेज चुके, वहाँ से आ गया टीम इन्वेस्टिगेशन करके। उसके बाद जो हमारा जेठ है हसीब को 14 तारीख को भी उन लोगों ने लेटर किया था बुलाने के लिए, नोटिस भेजा था, लेकिन वो नहीं आए। फिर 18 तारीख को भी उन्हें बुलाया गया है। अब अगर वो तब भी नहीं आते तो इन सब बातों से मुझे पता चल रहा है कि पुलिस अपना काम तो सही से कर रही है ना। आप क्या अपनी बेटी को ले जाएंगी शमी से मिलवाने? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समी को मिलने के लिए, समी का जो वो एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं जो समी को मिलने के लिए गई थी बेबो को लेकर, तो आप समी तो मुझसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मीडिया के प्रेशर में ही उसने मुझसे मिला। मीडिया जब मुझे देखी कि मैं एयरपोर्ट में हूँ तो आप लोगों ने ही समी को फ़ोन किया कि हसीन एयरपोर्ट में है, ऑलरेडी उसका टिकट हो गया है, वो आपसे मिलने जा रही है। तब समी ने मुझे मैसेज किया मिलने के लिए। उसके बाद जो है वो मिला तो आप लोगों को भी पता चला कि वो किस तरह से किस प्लानिंग से वो मुझसे मिला। और उसके बाद मैं वहाँ 7 दिन रही। 7 दिन तक मेरी बच्ची का या मेरा तो छोड़ ही दो, मेरी बच्ची का कोई ख्याल भी उसे नहीं आया कि वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, किस होटल में रह रही है, क्या कर रही है, और ना ही वो मिलना भी चाहा। तो आज फिर कहाँ से सवाल आएगा कि वो फिर से मिलेगा या मिलना चाहेगा या मिलने की उसकी नीयत अच्छी है। इसमें भी हो सकता है कि अगर भी वो मिलना चाह रहा होगा तो इसमें भी कोई उसका पब्लिक सिंपैथी लेने का ही कोई प्लानिंग होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।